आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, सत सैया के दोए रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। ये टॉपिक कुछ ऐसे ही करने वाला है, देखने में छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है। टॉपिक का टाइटल है साइक्लोन वायु, चक्रवात वायु। कहां पर आया है ये चक्रवात वायु, आखिर किस एरिया में हमारी कंट्री के आसपास में ज्यादा साइक्लोन ज्यादा चक्रवात बनने हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है, कौन इनको यहां पर चेक करता है, नाम इसका किसके द्वारा दिया गया है, क्या क्या सिचुएशन है, कहां कहां पर क्या क्या अब तक साइक्लोन बने हैं, पुरानी डिटेल भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, तो बहुत सारी और भी तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ में ये लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा नाम है वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर करंट अफेयर कंप्लीट कवर कराया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू, द हिंदू डिस्कशन और पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो या फिर इसके अलावा और कई सारे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, करंट अफेयर कंप्लीट होलिस्टिकली यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कोई भी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी कवर करा चुका हूँ, इसके अलावा इकोनॉमी भी आप लोगों की चल रही है, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिल जाता है। अगर लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो आप लोग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। हमारी कंट्री के इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा एक वार्निंग जारी की गई, जिसको बोला गया यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, कि साइक्लोन वायु आ रहा है, ऑरेंज अलर्ट उसके लिए जारी कर दिया गया। और ये जो साइक्लोन है ये हमारी कंट्री में, ये बेसिकली गुजरात वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में नहीं है ये, यहाँ पर ये अरेबियन सी में है। ये नॉर्मली जो साइक्लोन होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, अरेबियन सी में काफी कम देखने को मिलते हैं। उसका क्या रीजन है वो हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले जान लेते हैं ऑरेंज अलर्ट, आखिर ये अलर्ट होता क्या क्या है। ये डिफरेंट तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं, जिसके बेस पर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कभी भी रास्ते पर जा रहे हैं तो आप लोगों के सामने रेड लाइट आती है, येलो लाइट आती है और ग्रीन लाइट आती है, तो जिस तरीके से वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं कुछ ऐसा ही आप लोग हल्का सा कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। येलो का मतलब होता है कि यहां पर बी अपडेटेड, अपडेट किया जा रहा है। ऑरेंज का मतलब है कि प्रिपेयर्ड, यानी कि तैयार रहो। रेड का मतलब है कि एक्शन ले लो। और ग्रीन का मतलब है कि नो वार्निंग, यानी कि कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में यहां पर जो लोगों को संकेत दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जो लोग काम कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जो जो सहायता कर्मी काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनके लिए अलग अलग वार्निंग जारी यहां पर की जाती है। तो ये बेसिकली येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन वार्निंग के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। वायु साइक्लोन जो इसका नाम निकल कर आया, ये हमारी ही कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया है। वायु को अगर आप लोग देखेंगे नॉर्मल भाषा में तो आप लोग जानते हैं कि वायु जो आप लोग नॉर्मल वायु यानी कि विंड जो होती है उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। सौराष्ट्र वाला जो रीजन है हमारी कंट्री में, बेसिकली गुजरात का ये जो ये वाला पोर्शन है जो कि आप लोग देखेंगे गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ के बीच में जो अरेबियन सी में देखने को मिलता है, माना जा रहा है कि लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में ये रीजन यहां पर डिवाइड है और इस रीजन में ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। अगर आप लोग बेसिकली स्टार्टिंग में जानेंगे तो ये माना जा रहा था कि ये साइक्लोन जो है यहां से आ रहा था और यहां से आते हुए ये यहां से ऐसे मुड़ता मुड़ ऐसे माना जाता कि ऐसे मुड़ने वाला है, पर लेकिन फिर से यहां पर जो कंडीशन लगी वो यहां से न मुड़ के ये बिल्कुल ऐसे ही यहां पर हो गया, यानी कि एक तरीके से पहले ये माना जाता था कि हमारी कंट्री पर ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, पर लेकिन फिर से इसने अपना ट्रैक चेंज कर दिया और ऐसा ज्यादा नॉर्मली होता नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट और या फिर स्पेशल कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ये मैपिंग किसके बेस पे की जाती है, तो ये एक स्केल है जिसको आप लोग सैफर-सिम्पसन स्केल के नाम से पुकारते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये एक संस्कृत शब्द आप लोग जिसको बोल सकते हैं, जिससे ड्राइव किया गया यहाँ पर जो वायु नाम यहाँ पर रखा गया, हिंदी वर्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, संस्कृत एंड हिंदी वर्ड यहाँ पर जो ड्राइव किया गया है, विंड बेसिकली आप लोग जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वायु, हवा, विंड ये सारे इसी के नाम आप लोग बोल सकते हैं। बेसिकली नाम जो रखा गया है यहाँ पर ये है वायु साइक्लोन। ये यहाँ पर सैफर-सिम्पसन इसको हरिकेन विंड स्केल बोला जाता है। बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को पहले जब लेक्चर लिया था साइक्लोन के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड में जो साइक्लोन है उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये जो साइक्लोन है आप लोगों को इक्वेटर के पास ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इनकी फॉर्मेशन की कंडीशन है वो इक्वेटर के पास ही मिल पाती है। हमारे जो एरिया में इसको इंडिया वाला जो रीजन है यहाँ पर इसको साइक्लोन बुलाया जाता है। यहाँ पर जापान वाले रीजन में इसको टाइफून बुलाया जाता है। नीचे वाले रीजन में यहाँ पर साइक्लोन और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नाम में अगर इसको लोकल नाम अगर आप लोग जानेंगे तो इसको विली विली के नाम से पुकारा जाता है। हुरिकेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो मेक्सिको वाला रीजन है यहाँ पर इक्वेटर के पास में। तो ये कंडीशन एक ही जैसी होती है इक्वेटर के पास में, कहीं हुरिकेन कहीं टाइफून तो कहीं साइक्लोन के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं।
बात यहां पर की जा रही है कि जो जो यहां पर ये सैफिर सिम्पसन हुरिकेन विंड स्केल, इसके बेस पर अगर बातें जो कि हुरिकेन के बारे में बात करते हैं, उसके द्वारा जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी जो इंटेंसिटी है यहां पर उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। फाइव कैटेगरी में डिस्टिंग इसको किया जाता है इस स्केल के हिसाब से, यानी कि जो ये स्केल है इसके बेस पर इसको फाइव कैटेगरी में यहां पर डिवाइड किया जाता है। तो इसी के बेस पर आप लोग ये इसका देख सकते हैं जो कैटेगरी है ये एक से लेके पांच तक कैटेगरी है, और ये जो एक से लेके पांच तक कैटेगरी है ये जो विंड की स्पीड देखने को मिलती है उसके बेस पर यहां पर इसका डिविजन निकल कर आता है कि हाँ किस विंड का ये साइक्लोन है और किस तरीके से यहां पर स्पीड रहने वाली है। यानी कि अगर फर्स्ट स्केल का बोले तो आसान है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, टू का बोले तो और ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, और फिर आगे आगे इस तरीके से यहां पर ये इंपैक्ट पड़ता चला जाता है। सबसे नॉर्मल भाषा में अगर आप लोग समझे ये यहां पर जो अभी इस साइक्लोन की बात की जा रही है तो आप लोगों के सामने यहां पर इसको नॉर्मली ये यहां पर टू स्केल में इसको रखा जा रहा है। टू स्केल में आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा थर्ड स्केल में पहुंच जाएगा, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर पर आर के हिसाब से यहां पर बात की जा रही है। तो ये अभी जो है ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाला है वैसे पर, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि सिचुएशन कंडीशन जो है वो चेंज हो जाए। फिलहाल मैं अभी आप लोगों को प्रेजेंट की बात यहां पर बता रहा हूं। बाकी ये अलग अलग यहां पर आप लोगों के सामने ये अलग अलग डिविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ये है माइल पर आवर। माइल पर आर की बात की जाए तो 1 माइल पर आर के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो 0.869 नोट्स होते हैं जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आएगा नोट्स को कैसे आप लोग काउंट करते हैं। अगर आप लोग नोट्स को काउंट करना चाहते हैं तो एक जो नोट होता है उसकी इक्वल होता है 1.8 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और यहां पर ये किलोमीटर पर आर हो गया। तो अलग अलग जो यहां पर ये राशि है उसमें यहां पर बेसिकली इसको नाप कर दिखा रखा है। तो ये वन ये यहां पर फॉर 1 मिनट फॉर मैक्सिमम सस्टेन स्पीड विंड के हिसाब से यहां पर ये स्पीड इसकी काउंट की जा रही है, जो कि यहां पर एक और आप लोगों यहां पर इसी का वर्जन दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए या फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन के लिए। तो इसी तरीके से यहां पर इसको भी नापा जा रहा है। तो ये आप लोग इसकी बोल सकते हैं कि इसको नापने की मात्रा है, अलग अलग मात्रा में इसको नापा जाता है, यूनिट ये बेसिकली आप लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का ज्योग्राफी का पॉइंट है और डायरेक्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो अगर साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन एक तरीका बवंडर आप लोगों को देखने को मिलता है, पर लेकिन जब ये पैदा होता है यानी कि जब ये स्टार्ट होता है तो उसके लिए लार्ज वॉर्म और स्टिल यानी कि रुका हुआ शांत पानी होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो। 27 से अगर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में हीट बढ़ेगी, और जैसे ही हीट बढ़ेगी आप लोगों ने कभी जैसे एक पानी आप लोगों ने गर्म किया होगा तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पानी उबलता कैसे है, बेसिकली नीचे से हीट आती है तो जो नीचे वाला गर्म पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला गर्म पोर्शन नीचे आता है, तो ऐसे ऐसे गर्म पोर्शन ऊपर नीचे होके ये क्या होता है यहां से ये पूरा पानी गर्म हो जाता है। फिर जब और ज्यादा गर्म कर देते तो ऊपर क्या होता है यहां पर फिर उसमें से भाप निकलने लगती है। कुछ ऐसा ही फिनोमिना आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर जो 27 डिग्री या फिर उससे ऊपर का जो टेम्परेचर रहता है और लार्ज स्टिल यानी कि थमा हुआ यहां पर पानी अगर देखने को मिलता है तो क्या होता है, जो ऊपर से यहां पर जो एक तरीके से टेम्परेचर जो बढ़ता रहता है उसकी वजह से जो हवा गर्म होती है वो हवा गर्म होने के बाद में ऊपर उठ जाती है और उस जो ऊपर उठी हुई हवा की जगह लेने के लिए यहां पर नीचे ठंडी हवा आ जाती है। फिर ऐसा ही होता है कि गर्म ऊपर जाती है और ठंडी नीचे आ जाती है, और ये काफी तेजी से यहां पर चीजें चलती रहती हैं। जैसे जैसे ये प्रोसीजर चलता रहता है वैसे वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ये ठंडी और गर्म हवा आ रही है तो इसी के साथ में काफी मॉइस्चर भी इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि जो दूसरी हवा आती है वो मॉइस्चर को लेकर भी अपने साथ आती है, यानी कि उनके पास में पानी की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। और उसी के चलते आप लोगों ने ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लाउड फॉर्मेशन का, आगे चलते हुए फिर यहाँ पे ऊपर चलोगे तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन भी आप लोगों को होने लगते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको कंपेयर करना चाहे, कंप्लीटली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा माइंड अगर क्रिएट करना चाहे, जिस तरीके से हमारी कंट्री में मॉनसून आता है तो मॉनसून जब आता है हमारी कंट्री में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, यानी कि जो गर्म जो एक तरीके से गर्मी होती है जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि सहन शक्ति के बाहर होने लगता है। उस टाइम पर एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनती है कि हमारे इस एरिया में एक पर्टिकुलर इंडिया वाले रीजन में बारिश काफी लार्ज स्केल पर होने लगती है। तो वो जो फिनोमिनन है आप लोग वो क्लाउड फॉर्मेशन जो वहां पर होता है उस तरीके का हल्का सा आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीटली कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन यहां पर थोड़ी आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगी। कंडेंसेशन हैपन होता है, फिर कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जब बादल होते हैं उसके बस की बात नहीं रहती है उस लिक्विड को एक तरीके से थामे रखने की, तो फिर वो बारिश की फॉर्म में बरसने लगता है। तो ये प्रोसीजर जो यहां पर चलता है ये प्रोसीजर काफी लार्ज स्केल पर होता है और इसी में से फिर लेटेंट हीट रिलीज होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जैसे बर्फ है, यहां मान लीजिए ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का,
अब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी बन गया, या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी बन गया, यानी कि ये बर्फ था पानी में चेंज हो गया, पर लेकिन टेम्परेचर आप लोगों को ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा इसका। तो ये जो जो हीट ये वाली थी, यानी कि स्टेज तो चेंज हो गया पर लेकिन टेम्परेचर ऐसा का ऐसा ही है। ये जो हीट होती है जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने का इसको काम कर रही है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि एक सेल्फ फीडिंग का काम यहाँ पर करने लगती है, और जिसकी वजह से ये कंडीशन ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और फिर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए पृथ्वी पर आप लोग यहाँ पर कहीं पर ये देखिए, ठीक है, नॉर्थ से अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर कहीं इक्वेटर पर आना चाहते हैं, ठीक है, इक्वेटर अगर आप लोग इस पोजीशन पर आना चाहते हैं तो आप लोग यहां से चलेंगे, आप लोग सोचेंगे कि यहां पर पहुंच गए हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पृथ्वी घूमती रहती है इस तरीके से। अगर पृथ्वी घूम रही है तो आप लोग यहां पर न जाके कहीं आप लोग यहां पर जाकर पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, ये इस तरीके से आप लोगों ने चरखी भी घूमती हुई देखी होगी, जैसे दीपावली पे चरखी नहीं घुमाते हैं, वो इस तरीके से बाहर फेंकती हुई चीजों को जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर ये साइक्लोन भी कुछ ऐसा ही ये दीपावली की चरखी जैसा बन जाता है, और ये कोरिओलिस इफेक्ट की वजह से यहां पर ये कंप्लीट साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। कंप्लीट टॉपिक है आप लोगों का ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिक्चर के साथ में वहां पर समझाया गया है, तो आप लोग इसको हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। बेसिक जो है मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है कि किस किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्या कंडीशन होती है साइक्लोन फॉर्म की, और ये जो ऊपर वाली लाइन है लार्ज वार्म एंड द स्टिल ओशन, ये यहां पर कई बार आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। 27 डिग्री या फिर इससे अबोव होता है, इससे बिलो नहीं होता है, ठीक है, ये भी कई बार यहां पर पूछा जा चुका है। और लेटेंट हीट, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी में, यानी कि अगर आप लोग बात करें हमारे इस वाले पोर्शन में साइक्लोन ज्यादा आते हुए नजर आएंगे एज कम्पेयर टू इस वाले रीजन में। ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अरेबियन सी। तो जब भी जो अभी मैंने आप लोगों से कंडीशन यहां पर डिस्कस की है, कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर फेवरेबल बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने को मिलती है। एक तो टेम्परेचर की बात की हम लोगों ने, टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा सरफेस टेम्परेचर कहां पर, बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपेयर में। रीजन क्या है इसका, रीजन यहां पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि अरेबियन सी वाले रीजन में जो यहां पर हवाएं हैं वो ज्यादा चलती हैं। अगर आप लोग यहां पर इसको ऐसे देखेंगे, ये वाला जो रीजन है अफ्रीका से खासकर यहां पर हवाएं अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट नहीं होने देती है एज कंपेयर टू इस वाले रीजन में ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। एक तो टेम्परेचर जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया 27 या फिर 28 या फिर 27 से ऊपर आप लोग बोल सकते हैं, जो कि टेम्परेचर जब यहां पर साइक्लोन बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। दूसरा यहां पर सरफेस टेम्परेचर की बात की जा रही है और ह्यूमिडिटी की बात की जा रही है, तो साइक्लोन फॉर्म होने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि एक ह्यूमिडिटी होना ज्यादा जरूरी है, और ह्यूमिडिटी किस पर्टिकुलर एरिया में जनती है, जहां पर बारिश आप लोगों को ज्यादा होती नजर आएगी। तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज्यादा बारिश होती है, यहां पर एक ऐसी कंडीशन बनती है कॉन्स्टेंट फ्लो फ्रेश वाटर वहां पर रहता है, जैसे गंगा से पानी आ रहा है, ब्रह्मपुत्र से पानी आ रहा है, तो ये जाकर कहां पर गिरता है, यहां पर ये सारा गिरता है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये भी एक ऐसी कंडीशन यहां पर क्रिएट कर देता है जो कि यहां पर जरूरी होती है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए और ह्यूमिडिटी यहां पर क्रिएट करने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। या फिर थोड़ा डिटेल में आप लोग और समझना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, बेसिकली मैंने भी आप लोगों को बताया कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी आता रहता है रेगुलरली। वो जो पानी आता है वो इतने लार्ज स्केल पर आता है, वो पानी थोड़ा ठंडा होता है, और जो यहां पर टेम्परेचर रहता है वो ज्यादा हाई हो चुका होता है क्योंकि यहां पर ज्यादा हवाएं नहीं चलती है, तो उन दोनों का मिक्सचर नहीं हो पाता है और वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है जो एक अच्छी कंडीशन क्रिएट करता है साइक्लोन बनने के लिए। पर लेकिन अरेबियन सी में ये नहीं हो पाता है, अरेबियन सी में आप लोगों को मैंने अभी बताया हवाएं चलती रहती हैं, तो वहां पर होता क्या है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है एक तो वो कम आता है, यानी कि वहां से आप लोगों ने मैक्सिमम रिवर का नाम सुना होगा हमारी कंट्री में, वो कहां पर गिरती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो रिवर होती है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, अरेबियन सी में ज्यादा रिवर आप लोग गिरती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये भी एक कंडीशन यहां पर क्रिएट हो जाती है इसके लिए कि यहां पर जो पानी है वो आसानी से मिक्स हो जाता है और टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस पानी में नहीं देखने को मिलेगा और वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के हो जाते हैं, जबकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है। मोर सॉल्ट कंटेंट अरेबियन सी में, ज्यादा कंटेंट यहां पर अरेबियन सी में देखने को मिलेगा, जो कि अलग से यहां पर जो पानी है वो उसको और ज्यादा यहां पर हैवी आप लोग बोल सकते हैं बना देता है। बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर अरेबियन सी के कंपेयर में ये अलग तरीके कंडीशन रहती है अगर यहां पर सोल्ट की भी बात करते हैं तो। क्यों, रीजन ये है यहां पर फ्रेश पानी ज्यादा आता रहता है, तो इसलिए यहां पर ये सोल्टी क्वांटिटी यहां पर कम है, जो कि एक और फेवरेबल कंडीशन बनाती है साइक्लोन आने के लिए। इसके अलावा बात जो की जा रही है, अगर आप लोग देखेंगे दोनों में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में कंपेयर करके, तो ये काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इस पिक्चर में आप लोग देखें यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर जब साइक्लोन आते हैं तो यहाँ से आसानी से यहाँ पर बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर आसानी से इस तरीके से आप लोगों को फ्लो होता दिखेगा, यानी कि लैंड मास यहाँ पर काफी कम है, तो एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन बन जाती है यहाँ पर कम, क्यों यहाँ पर लैंड मास ज्यादा है, अगर यहाँ से कोई हवाएं आएंगी उस तरीके से, ठीक है, तो वो यहाँ पर ज्यादा इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर नहीं बना पाती है, यहाँ पर जो फ्लो होता है पानी का भी और जो यहाँ पर कंडीशन बन पाती है उस तरीके की, लैंड मास जो है यहाँ पर एक अलग इंपैक्ट डालता है, यहाँ पर लैंड मास ज्यादा है वो यहाँ पर क्या करता है वो चीजों को क्रिएट नहीं होने देता है, ये लैंड मास यहाँ पर कम है, ये एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर बना देता है साइक्लोन आने के लिए, यानी कि साइक्लोन की जो विंड है वहां पर जो साइक्लोन क्रिएट करने वाली है वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आ पाती है, उधर वहां पर ज्यादा इतनी नहीं आ पाती है जिस स्पीड में यहां पर आ पाती है, यानी कि एक और अलग कंडीशन यहां पर बन जाती है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी के साथ में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से कई बार पूछा जाता है साइक्लोन के बारे में, बोला जाता है कि साइक्लोन शब्द का कहां से उद्गम हुआ है, यानी कि कहां से निकल कर आया ये, तो ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से निकल कर आया, जिसका इसी के साथ में जो यहां पर आप लोग देखेंगे डीप लो प्रेशर एरिया आप लोग क्रिएट करना होता है, जिसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन वहां पर बन जाती है जिसकी वजह से साइक्लोन आता है। यहां पर एक और काफी इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड होती है वो रोटेट करती है काउंटर क्लॉक वाइज, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप लोग देखेंगे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया इक्वेटर, ये ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर में जो नॉर्थ साइड में है उसकी बात करें तो वहां पर जो विंड होती है वो रोटेट करती है काउंटर क्लॉक वाइज। क्लॉक कैसे घूमती है, ये आप लोगों की घड़ी है यहाँ पर, तो इसमें आप लोगों की जो सुइयां होती है ये कैसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है, ठीक है, तो वहां पर जो विंड होगी नॉर्थ वाले रीजन में वो इसके अपोजिट में घूमेगी, ऐसे घूमेंगी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज घूमती है, नीचे वाले पोर्शन में ये विंड इसी तरीके से घूमेगी जिस तरीके से क्लॉक घूमती है, ठीक है, यानी कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पर एंटी क्लॉक वाइज बेसिकली यहां पर ये विंड आप लोग घूमती नजर आती है जो कि साइक्लोन क्रिएट करने का काम करती है। सदर्न हेमिस्फीयर में वही चीज एंटी क्लॉक वाइज जब घूमेगी तो वो साइक्लोन क्रिएट करने का काम करेगी। बड़े ही एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन ये हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को आप लोग यहां पर देखते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा यहां पर एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन होगा यहां पर क्लॉक वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, साइक्लोन जो है वो बेसिकली किस टाइम पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, अगर एक एनालिसिस के बेस पर बात करें आप लोगों को ज्यादातर साइक्लोन देखने को मिलेंगे वो यहां पर मैक्सिमम नजर आएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में, पर लेकिन अप्रैल, मई और जून में भी कभी कभी साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये दो पोर्शन है यहां पर जो भी काफी लार्ज स्केल पर साइक्लोन है, पर लेकिन अगर ज्यादा आप लोगों को कोई साइक्लोन देखने को मिलेगा वो लगभग आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को सर्दियों के टाइम पर ज्यादा साइक्लोन नजर आएंगे जो कि एक फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं साइक्लोन आने के लिए इंडियन ओशन में। ये हम लोग इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो हमारे वाला जो समुद्र है इंडिया, जो इंडिया के नाम पे है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिए किस पर्टिकुलर रीजन में किस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। बाकी अगर आगे बात करें इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक एजेंसी है जिसको 1875 में फाउंड किया गया था, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, और केजे रमेश आज की डेट में इसके डायरेक्टर हैं यहां पर। बाकी इसका अलग अलग नाम भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, कहां हम डिप्रेशन बोलेंगे, कहां हम डीप डिप्रेशन बोलेंगे, कब हम लोग बोलेंगे साइक्लोन में फॉर्म हो चुका है, फिर सीवियर साइक्लोन, फिर वेरी सीवियर साइक्लोन, फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, और इसको बोल देते हैं फिर सुपर साइक्लोन। तो ये है बेसिकली यहां पर इसकी स्पीड के बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो सस्टेन विंड स्पीड है 3 मिनट पर एवरेज के हिसाब से कितना हाई स्पीड से यहां पर साइक्लोन चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर नोट्स में दे रखी है और यहां पर किलोमीटर पर आर के हिसाब से दे रखी है। तो ये कंडीशन यहां पर स्पीड के हिसाब से चेक की जाती है, जितनी हाई स्पीड होगी उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, उतना ही ज्यादा तबाही मचाएगा पर्टिकुलर एरिया में वो साइक्लोन। अब कुछ साइक्लोन के नाम है आप लोगों के सामने जो कि अरेबियन सी में आप लोगों को देखने को मिले हैं, उन साइक्लोन के नाम यहां पर देख लेते हैं। साइक्लोन ओखी 2017 में देखने को मिला जो कि काफी न्यूज में था, श्रीलंका और इंडिया अरेबियन सी में काफी नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर ये मेघ के बारे में, साइक्लोन मेघ ये है स्कोट्रा, ये अरेबियन सी में बेसिकली आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा, यहां पर काफी इंपैक्ट इसके द्वारा डाला गया। साइक्लोन चापला ये यमन वाले रीजन में काफी प्रॉब्लम करके गया। साइक्लोन नीलोफर ये अरेबियन सी में देखने को मिला जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसका नेम नीलोफर दिया। इसी के साथ में साइक्लोन फेट यहां पर 2010 में ये ओमान और पाकिस्तान में काफी इंपैक्ट डाल के गया, और गोनू ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन माना जाता है जो कि रिकॉर्डेड अब तक का अरेबियन सी में 2007 में ये साइक्लोन आया था।
अभी जो रिसेंटली कई सारे साइक्लोन आए उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। साइक्लोन फानी या फिर फोनी जिसको पुकारा गया, ये अभी मई में देखने को मिला, उड़ीसा में बहुत ज्यादा इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन निकल कर आया। पाबुक साइक्लोन यहाँ पर थाईलैंड वाले रीजन में देखने को मिला। मोना साइक्लोन यहाँ पर ये सोलोमन आइलैंड फिजी टोंगा के अंदर, यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट इसके द्वारा डाला गया। गाजा साइक्लोन यहाँ पर ये साइक्लोन सागर सोमालिया वाले रीजन में देखने को मिला। मिकनुक ये यहाँ पर ओमन वाले रीजन में, नेक्स्ट बात की जा रही है लुबन ये अरेबियन पेनिनसुला में, तितली ये आंध्र प्रदेश में, ओखी ये आप लोगों को केरला तमिलनाडु और श्रीलंका के अंदर, इनके नाम आप लोग याद रखते हैं। ये सारे 17, 18 और 19 में रिसेंट साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिले हैं। बाकी जब साइक्लोन आता है तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर बेसिकली बताई जाती है कि जब साइक्लोन आता है तो क्या क्या आप लोगों को अपने पास में रखना है। रेडियो आप लोगों के पास में होनी चाहिए, जब भी कोई वार्निंग दी जाए उसको आप लोग सुन सकें। ये इस तरीके से आप लोगों के पास में ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के अपने पास में होने चाहिए, ठीक है। पानी, पर्स वगैरह, बैटरी, चश्मा, जो भी आप लोगों के पास में, बच्चों के लिए दूध वगैरह, ताकि अगर साइक्लोन आता है तो उस टाइम पर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट आप लोग पूरी कर सकें। ऐसा यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए। खासकर एक किट आप लोगों के पास में होनी चाहिए कि हाँ अगर साइक्लोन की वार्निंग जारी की गई है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। कुछ मेडिसिन वगैरह जो कि काफी जरूरी होती है वो आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो ये जहां पर साइक्लोन आता है वो सारी वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी जाती है, क्या क्या कंडीशन बन सकती है और किस तरीके से रहना है। मानिए किसी एरिया में साइक्लोन आ गया, वहां पानी भरा हुआ है और वहां पानी इतना भरा हुआ है कि एक आदमी से ऊपर पानी निकल जाए, यानी कि लगभग 7 से 8 फीट का पानी अगर वहां पर है और वो लगभग 2-3 दिन तक कंटिन्यू है, वहां पर कोई हेल्प भी नहीं आ पा रही है, तो कैसे सर्वाइव वहां पर किया जाएगा। तो उसके लिए ये गाइडलाइन जारी की जाती है कि जब तक हेल्प पहुंचे कम से कम इंसान तब तक वहां पर सर्वाइव कर सके। बाकी और भी कई सारी यहाँ पर गाइडलाइन है कि कैसे बचे और कैसे सुरक्षा करें साइक्लोन से, ये यहीं पर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहां से जाकर डाउनलोड कर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। ये आप लोगों को काफी फायदेमंद चीजें होती है। वही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है उससे पहले आप लोगों को अपने आपको प्रिवेंट करना है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।